हरियाणा विधानसभा चुनाव में गर्मा गर्मी बढ़ने से कई बार नेता चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर बैठते हैं। ऐसा ही देखने को मिला विधानसभा लाडवा में, जहां कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में इनेलो और आजाद उम्मीदवार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। विधानसभा लाड़वा सीट से कुरुक्षेत्र प्रशासन ने दो उम्मीदवारों को चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना करने के मामले में जवाब मांगा है। जानकारी के अनुसार 18 सितंबर को इनेलो नेता द्वारा चुनावी सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन इनेलो कार्यकर्ता रैली संबंधी इजाजत लेने में कोताही बरत गए, जिस पर कार्यवाही करते हुए उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया। इसी के तहत लाड़वा में चुनाव लड़ रहे आजाद उम्मीदवार काका जतिंदर सिंह को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा। कल हमारी नॉलेज में आया था, एआरओ कंसर्न जो बीडीपीओ लाडवा है, उन्होंने बताया था कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने बिना परमिशन के वहाँ पे रैली की है लाडवा में, तो उसके लिए कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को नोटिस जारी किया गया, जिनमें उनको एक सप्ताह का समय दिया गया, उनसे जवाब तलब किया गया। दूसरा नोटिस जारी किया गया एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, जिन्होंने एक रिलीजन इंस्टीट्यूशन मंदिर के अंदर जाके उन्होंने सभा की है, तो वो भी हमारा मामला संज्ञान में आया है, तो उसके ऊपर भी उनको नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया गया। राजनीतिक पार्टियां लोगों को लुभाने के लिए विभिन्न तरह के प्रचार सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की उन पर पैनी नजर है। इंडिया 24 के लिए लाड़वा से सतिंदर चौधरी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के बाद आपदा पीड़ितों के लिए हरियाणा के बहुत से सामाजिक संगठनों ने मदद की पहल की है, जहां राज्य भर से सरकारी कर्मचारियों ने आपदा पीड़ितों की मदद के लिए एक दिन का वेतन दिया है। वहीं पलवल के सरकारी कर्मचारियों ने बाजारों में चंदा एकत्रित कर मदद राशि पहुँचाने की एक और मानवीय पहल की है। पलवल के सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कश्मीर बाढ़ पीड़ितों के लिए विभिन्न सरकारी विभाग के कर्मचारियों ने भीख मांग कर धन जुटाया। कर्मचारी नेता श्रीपाल भट्टी ने बताया कि इनका लक्ष्य 5 लाख रुपए से अधिक धनराशि एकत्रित कर मदद पहुंचाने की है, जबकि जिले में लगभग 3000 सरकारी कर्मचारी 30,000 से 40,000 रुपए की आर्थिक मदद अपने वेतन से काट कर दे चुके हैं। आज हम मार्केट में निकले हैं, कल और बड़ा जत्था लेकर लगभग 5 लाख रुपए हम कैश करेंगे, और जो वहाँ के बाढ़ पीड़ितों में जाके दवाई गोली उनके मकान का जो भी हमसे अरेंजमेंट होगा वो पूरा कराएंगे। इस मिशन के लिए निकले हैं, और कर्मचारियों में सरकार के और अपनी मांगों के लिए हमेशा आंदोलन करते हैं, लेकिन दूसरी तीसरी बार हम आपदाओं में भी पूरी एकजुटता से खड़े होते हैं। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में आई आपदा के बाद अब जीवन सामान्य हो रहा है, और हरियाणा सरकारी कर्मचारी बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा मांग रहे हैं। इंडिया 24 के लिए पलवल से गुरु दत्ता गर्ग की रिपोर्ट। चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा होते ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। आज बसपा ने जींद विधानसभा क्षेत्र से सुधीर गौतम को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसकी घोषणा होते ही सुधीर के समर्थकों ने उनके आवास के बाहर इकट्ठा होना आरंभ कर दिया, और ढोल व नगाड़े तथा गुलाल व मिठाई बांट बसपा प्रत्याशी को बधाई दी। बसपा ने जींद विधानसभा क्षेत्र से सुधीर गौतम को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसकी घोषणा होते ही सुधीर के समर्थकों ने ढोल नगाड़े तथा गुलाल व मिठाई बांट बसपा प्रत्याशी को बधाई दी। इस अवसर पर एक भेंट में बसपा प्रत्याशी ने कहा, जींद जिला प्रदेश के गठन के समय से ही अस्तित्व में आ गया था, और तभी से यह सत्ता के साथ भी रहा। इस जिले ने प्रदेश को मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्री भी दिए, इसके बावजूद यहां कोई विकास कार्य नहीं हुए, और इस जिले के साथ भारी भेदभाव किया गया। यदि जींद की जनता ने उन्हें विजयी बना विधानसभा भेजा तो वे इस विकास की गति को तेज कर देंगे। सबसे पिछड़ा हुआ जिला जींद कहा जाता है। जब हरियाणा बने 7 जिले थे जिनमें जींद एक था, आज 21 जिले हैं और 21वें नंबर पर जींद है। ना यहाँ कोई विकास है, ना रोजगार के साधन उपलब्ध कराए आज तक किसी सरकार ने। हर सिंहासन ने भेदभाव किया, और बहुजन पीने का पानी तक आज तक ये लोग उपलब्ध नहीं करा पाए। और बहुजन समाज पार्टी वचनबद्ध है गरीब आदमी को, जो लोग समाज के पिछड़े हुए लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी वचनबद्ध हैं, और हम उनके साथ इस मुहिम में शामिल हैं। हरियाणा चुनाव में इस बार बसपा पार्टी सरगर्म दिखाई दे रही है, जिस कारण वह अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा में जल्दबाजी नहीं दिखा रही। जींद से इंडिया 24 के लिए DS अहलावत की रिपोर्ट।
हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बीजेपी वर्कर मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें महेंद्रगढ़ विकास मंच के अध्यक्ष कुलबीर बोहरा, बीजेपी अध्यक्ष रामविलास शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इस अवसर पर बोहरा ने लोगों की आवाज बुलंद करने का वादा किया। महेंद्रगढ़ में बीजेपी की वर्कर मीटिंग में बीजेपी को उस समय नई ताकत मिली जब महेंद्रगढ़ विकास मंच के अध्यक्ष कुलबीर बोहरा ने बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की। कुलबीर बोहरा ने कहा कि वे बीजेपी में शामिल होकर लोगों के हकों की लड़ाई लड़ेंगे। मैंने निर्णय ये लिया कि जो पिछले 10 साल से कांग्रेस ने जो देश में अराजकता फैला रखी है, जो भ्रष्टाचार फैला रखा है, तो उसकी लड़ाई हम भाजपा के साथ मिलकर ही लड़ सकते हैं। तो मैंने अपने महेंद्रगढ़ विकास मंच को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रोफेसर रामविलास के सरपरस्ती में नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से कांग्रेस के खिलाफ हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और हरियाणा से कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। इस मौके भाजपा के नेता रामविलास शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और संबोधित करते हुए वह भावुक भी नजर आए। उन्होंने महेंद्रगढ़ की तकदीर को बदलने के लिए लोगों से भाजपा को जिताने की अपील की। रामविलास शर्मा ने कहा कि कुलबीर बोहरा के आने से बीजेपी मजबूत होगी, क्योंकि कुलबीर बोहरा पिछले काफी लंबे समय से समाज कार्यों में लगे हुए हैं। कुलबीर बोहरा इस इलाके का बहुत प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता है, भारतीय जनता पार्टी बहुत इससे मजबूती में। कुर्सी के लालच में नेता दल बदलने को संकोच नहीं करते, फिर भले ही लोगों ने वोट दें या ना दें। इंडिया 24 के लिए न्यूज डेस्क से जसविंदर के साथ महेंद्रगढ़ से विपिन की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार और रोडवेज कर्मियों में चल रही अनबन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कभी प्राइवेट रूटों के परमिट रद्द करने को लेकर तो कभी अपनी अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी रहता है। आज रोडवेज कर्मचारियों ने अधिकारियों के अड़ियल रवैये और मांगे ना माने जाने के कारण एक गेट मीटिंग कर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर आज अम्बाला में हरियाणा सरकार और रोडवेज के कर्मचारियों के बीच एक बार फिर ठनी। अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की मांग ना माने जाने पर कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों ने आज प्रशासन से यह मांग की, जो वेतन दर में 3200 से बढ़कर 3600 किया गया था वो भी जल्दी लागू किया जाए। इसी के साथ उनका बकाया जो जनवरी से जुलाई 2014 तक बनता है वो जल्दी जारी किया जाए। हम ये मांग करते हैं सरकार द्वारा जो चालक परिचालक पक्के करे थे उनका एरियर दिया जाए, एलटीसी दी जाए, 3200 से 3600 का पेमेंट है वो किया जाए, और बावन लिपिक में जहाँ भी नारायणगढ़ का मामला बराड़ा में पेड़ कटे हैं और बस स्टैंड के ऊपर अम्बाला कैंट के ऊपर जो पार्किंग में घोटाला है उसकी जाँच की जाए, जो अधिकारी या कर्मचारी उसके अंदर संलिप्त है उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाए और कड़ी सजा दी जाए। जल्द ही अगर हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के बीच मांगों को लेकर समझौता नहीं होता तो आने वाले दिनों में आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इंडिया 24 के लिए अंबाला से एसडी शर्मा की रिपोर्ट। बठिंडा जिला की तलवंडी साबो पुलिस ने लूटपाट की वारदात करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में 3 लोग शामिल पाए गए जो कार में लिफ्ट देने के बहाने लोगों को लूटते थे। पुलिस ने इनकी तलाशी के दौरान रुपयों के साथ लूटे गए एटीएम कार्ड व मोबाइल फोन भी बरामद किए। 10 सितंबर को लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सदस्य द्वारा हरियाणा निवासी अनूप सिंह को उस समय लूटा जब वह अपनी बहन के घर सिंगो गांव जा रहा था। तभी एक कार में सवार लोगों ने उसे लिफ्ट देकर सुनसान जगह पर अनूप की आंखों में मिर्ची डालकर लूट लिया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पकड़े गए आरोपियों की पहचान काला अंग्रेज सिंह जसविंदर सिंह के तौर पर हुई है, जो सिंगो गांव के निवासी हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को गोलावाला हेड से गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ पहले भी नशा तस्करी का मामला दर्ज है। अनूप सिंह नूं काला अंग्रेज वासी सिंगो ते जसविंदर सिंह जिहड़ा बहमन कौर सिंह वाला ने लिफ्ट दित्ती सी। दौरान लिफ्ट इन्होंने दी अखां च मिर्चां पा के उहदा एटीएम मोबाइल ते जिहड़ी नगद कैश खोली सी। इन्हां दोषियां नूं नगद कैश खोण तों बाद जिहड़ा मुकदमा नंबर 218 मिति 14 नूं 14 अंडर सैक्शन 382/5634 IPC ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਕਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਏਟੀਐਮ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਸ਼ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। भोले वाले लोगों को लिफ्ट देने के बहाने लूटपाट करने वाले गिरोह को पकड़ने के बाद पुलिस की कड़ी कार्यवाही जुर्म को रोकने में सफल हो सकती है। इंडिया 24 के लिए बठिंडा से कुणाल बांसल की रिपोर्ट।
करनाल जिला के उपायुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी बलराज सिंह ने मतदाता जागरूकता के लिए दो वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जहां विभिन्न राजनीतिक दल के उम्मीदवार वोटों के लिए पसीना बहा रहे, वहीं दूसरी तरफ जिला करनाल में प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन अधिक से अधिक मतदान करवाने के लिए जनता को जागरूक करने में जुटा हुआ है। मतदाता जागरूकता के लिए दो वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक गिनती में मतदान करवाने के लिए प्रशासन ने दो वाहनों को करनाल जिला के 434 गांवों के लिए रवाना किया। इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी बलराज सिंह ने बताया कि नुक्कड़ नाटकों के जरिए पोस्ट होर्डिंग्स लगाकर जनता को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस मौके जिला निर्वाचन अधिकारी बलराज सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता को पूर्णतः लागू करवाने के लिए प्रशासन प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन करने पर जिला उपायुक्त और पुलिस अध्यक्ष के पास पूर्ण शक्तियां हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने ये अभियान स्टार्ट किया था मतदाताओं के अंदर एक जागरूकता लाने के लिए कि वो अधिक से अधिक संख्या के अंदर मतदान करें, और उसका नतीजा ये निकला था कि हमारी जो पोल परसेंटेज थे पिछले चुनाव की अपेक्षा 6-7% बढ़ी थी। और इस बार फिर हमने ये दोनों गाड़ियाँ चलाई हैं, ये गाँव के अंदर गली गली के अंदर जाएंगी, मतदाताओं को कहेंगे कि जो वोट का अधिकार है वो उनकी ताकत है, उस ताकत का अवश्य इस्तेमाल करें। और मैं भी ये सभी मतदाताओं से ये विनती अपील करूँगा कि उनको 15 अक्टूबर को जो हमारा मतदान हो रहा है अधिक से अधिक संख्या के अंदर वो अपने अपने मत का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करें। थैंक यू। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की 100% उपस्थिति यकीनी बनाने के लिए प्रशासन प्रयासरत है। इंडिया 24 के लिए करनाल से जोगिंदर सिंह की रिपोर्ट।